फर्स्ट पर्सन आपके सामने है, लगाने की कोशिश कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि गोल का संबंध फुटबॉल से है, वैसे ही बास्केट का संबंध निम्न में से किससे रहेगा? ए पोलो, बी क्रिकेट, सी वॉलीबॉल या डी बास्केटबॉल। तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए जिस प्रकार फुटबॉल के गेम में, ठीक है, जिस प्रकार फुटबॉल के गेम में गोलों की संख्या के आधार पर हार जीत को तय किया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार फुटबॉल के गेम में गोलों की संख्या के आधार पर हार जीत को तय किया जाता है, उसी प्रकार से बास्केटबॉल, ठीक है, उसी प्रकार से बास्केट के गेम में गेंद को बास्केट में डालकर स्कोर किया जाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा आंसर जाने वाला है डी के साथ, बास्केटबॉल, ठीक है। गोल का संबंध फुटबॉल से है, वैसे ही बास संबंध किससे रहने वाला है? बास्केटबॉल के साथ। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। और मेरे प्यारे मित्रों इन सभी की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की PDF मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, ठीक है। वैसे चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे ऑफिशियल को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो लैंग्वेज को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ओ से क्यू हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर इसमें हम 2+ करें, ठीक है। एफ से एच हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर 2+ करें? एफ से एच 2+, ठीक है। आई से के 2+, सी से ई 2+, आई से के 2+, ए से सी 2+, और लास्ट अक्षर L से N 2+। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपका क्लियर है, मतलब सभी अक्षरों में 2+ किए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास लैंग्वेज शब्द हैं इनमें सभी अक्षरों में हमें 2+ करने, तो कीजिए। L में अगर हम 2+ करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला हमें? N। A में अगर हम 2+ करेंगे C। N में अगर 2+ करेंगे P। G में अगर 2+ करेंगे आई। यू में अगर 2+ करेंगे डब्लू। ए में 2+ करेंगे सी। जी में 2+ करेंगे आई। और लास्ट अक्षर ई में 2+ करेंगे जी। तो हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है NCPIWCIG। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग? 2 नंबर, यानी कि बी में। तो बी हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है, मतलब सभी अक्षरों में कितने 2+ किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे स्पेंस्टर को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो सेमेस्टर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों साथ के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे कि एस से आर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर एस में हम 1- करें, ठीक है। पी से ओ 1-, आई से एच 1-, एन से एम 1-, एस से आर 1-, टी से एस 1-, ई से डी 1-, आर से क्यू 1-। तो कंसेप्ट आपका क्लियर है, मतलब सभी अक्षरों में 1 की कमी की गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पर शब्द दिया गया है सेमेस्टर, इनमें क्या करना है, सभी अक्षरों में 1- करने हैं, तो कीजिए। तो प्रथम अक्षर हमारा एस है, एस में से अगर 1- करेंगे तो हमें प्राप्त होने वाला है आर, ठीक है। सेकेंड अक्षर ई, ई में से अगर 1- करेंगे डी। नेक्स्ट अक्षर एम, एम में से 1- एल। नेक्स्ट ई, ई में से 1- डी। नेक्स्ट एस, एस में से 1- करेंगे आर। नेक्स्ट टी, टी में से 1- करेंगे एस। नेक्स्ट ई, ई में से 1- करेंगे डी। और लास्ट अक्षर हमारा आर, आर में से 1- करेंगे क्यू। तो हमारा फाइनल आंसर जाने वाला है आर डी एल आर एस डी क्यू। किस ऑप्शन में देख पा रहे आप लोग? सी। तो सी हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है, मतलब सभी अक्षरों में 1- किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि 12 का संबंध 72 से है, उसी प्रकार 13 का संबंध हमें नेक्स्ट प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर है 12, 12 से हमें 72 नंबर प्राप्त करने हैं, 72। किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72 नंबर, यानी 72 हमें प्राप्त होने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? 13। 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 13 6 कितने होंगे? 78 नंबर, यानी कि 78। किस ऑप्शन में देख पा रहे आप लोग? डी। तो डी क्या है इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे कि 1 नंबर वाशिंगटन, 2 नंबर न्यूयॉर्क, 3 नंबर लॉस वेगास, 4 नंबर सिडनी। तो मेरे प्यारे मित्रों इनमें से आपको
विषम शब्द को फाइंड करना है, तो आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए सिडनी को छोड़कर, ठीक है, सिडनी को छोड़कर जो बाकी आप देख पा रहे, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस वेगास, ये सभी क्या हैं आपके अमेरिका के शहर हैं। ठीक है, किसके शहर हैं, अमेरिका के शहर आपके। जबकि जो सिडनी आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ठीक है, किसका शहर आपका, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं हमारा राइट आंसर जाने वाला है 4 नंबर के साथ, यानी कि सिडनी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए डब्ल्यू जेड, 2 नंबर आपका एफ जी, 3 नंबर यू एक्स, 4 नंबर ओ आर। तो इसमें से आपको विषम अक्षर युग्म फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू से जेड, डब्ल्यू से जेड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसमें हम 3 प्लस करें। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर देखिए आप लोग, एफ से जी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर एफ में हम 1 प्लस करें। 3 नंबर देखिए आप, यू से एक्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसमें हम 3 प्लस करें। और 4 नंबर देखिए, ओ से आर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसमें 3 प्लस करें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब हमारा राइट आंसर जाने वाला है बी के साथ, यानी कि 2 नंबर। एफ जी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और लास्ट नंबर में क्या है आपके, अक्षरों में 3-3 प्लस किए। ठीक है, जबकि आप 2 नंबर में देख पा रहे इसमें क्या है, 1 प्लस किया है। तो विषम अक्षर क्या है हमारा, एफ जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो मेरे प्यारे मित्रों नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सभी में अलग अलग संख्या है, तो आपको इनमें से विषम संख्या को प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है और साथ के साथ लगाने कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, 23, 78। आपको क्या करना है, इसमें सभी नंबर को प्लस करना है। जैसे कि 2 और 3 कितने होंगे, 5, 5 और 7 12, 12 और 8 कितने होंगे, 20। ठीक है, सेकेंड में देखिए आप, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 14 नंबर। ठीक है, सी में देखिए 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 14 नंबर। 4 में देखिए 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 नंबर आपके। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है, मतलब हम इजीली बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है 1 के साथ। ठीक है, आप कैसे बता सकते हैं, देखिए 2 नंबर में सभी अंकों का योग कितना है, 14, 4 नंबर में देखिए 14 और 3 नंबर में देखिए 14, जबकि आप ए नंबर देख रहे हैं इसमें आप ऑल डिजिट्स को अगर सम करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होने वाले हैं, 20। इसके आधार पर हम बता सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो मेरे प्यारे मित्रों नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर में आपको 56, बी में 72 नंबर, सी में 90 और 4 में 64 नंबर। तो आपको इनमें से विषम संख्या को प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो जिन्होंने यहाँ पर डी पर टिक किया है, बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है 64 नंबर। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, देखिए मेरे प्यारे मित्रों जो 64 नंबर आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका, एक पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, क्या है आपका, एक पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण क्यूब यानी कि घन भी है। ठीक है, 64 नंबर जो है आपका वो पूर्ण वर्ग भी है और घन भी है। देखिए 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितने नंबर होंगे आपके, 64, यानी कि पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, और देखिए हम 4 का क्यूब करेंगे तो कितने नंबर प्राप्त होंगे हमें, 64, यानी कि ये क्या है आपका, पूर्ण घन भी है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा है, 4 नंबर यानी कि 64 नंबर। बाकी जो 56, 72 और 90 है ये क्या आपके सामान्य संख्या है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है 64 यानी कि 4 नंबर। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। इससे आगे हमारा है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए हेक्सेन का मतलब होता है 6 नंबर, ठीक है, हेप्टेन का मतलब होता है 7 नंबर और ऑक्टेन का मतलब होता है 8 नंबर। मतलब इससे पहले हमें कितने नंबर प्राप्त करने हैं, 5 नंबर। तो आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, इसमें पेंटेन आने वाला है। ठीक है, पेंटेन मतलब क्या होगा आपका, 5 नंबर, हेक्सेन मतलब 6 नंबर, हेप्टेन मतलब 7 नंबर और ऑक्टेन मतलब 8 नंबर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है 1 नंबर के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप
आपके सामने एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, लगाने कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट है ई एफ जी एच आई, इससे नेक्स्ट है एल एम एन ओ, इससे नेक्स्ट है आर एस टी, इससे नेक्स्ट है डब्ल्यू एक्स, तो इससे नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है वो देखिए और साथ के साथ लगाने कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमारे फर्स्ट नंबर ई एफ जी एच आई लगातार अक्षर है, ठीक है। इसके बाद आई से नेक्स्ट हमें एल प्राप्त करना है, तो आई में हम कितने प्लस करें, तीन, ठीक है। आई में अगर तीन प्लस करेंगे तो एल नंबर हमें प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट देखिए एल एम एन ओ, ठीक है। इसी प्रकार ओ से हम नेक्स्ट आर पे कैसे पहुंच सकते हैं, अगर इसमें तीन प्लस करें। फिर से देखिए लगातार आर एस टी, ठीक है। अब टी से हम डब्ल्यू पे कैसे पहुंच सकते हैं, अगर इसमें हम तीन प्लस करें। उसके बाद देखिए डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब एक्स से हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त करना है, तो कितने प्लस करेंगे इसमें हम, एक्स में तीन। तो एक्स में अगर हम तीन प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ए, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाने वाला है एक के साथ। कंसेप्ट क्लियर है। देखिए, फर्स्ट में हमारे नंबर कितने हैं, पांच, उसके बाद हमारे नंबर चार, उसके बाद तीन, उसके बाद दो, और लास्ट में हमारा एक नंबर रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पांच जो है लगातार है, उसके बाद जो पांचवा नंबर हमारे पास आई है, आई से हम नेक्स्ट नंबर प्राप्त करेंगे एल, तो कितने प्लस करेंगे, तीन, ठीक है। फिर एल एम एन ओ, यानी कि कितने अक्षर हो जाएंगे हमारे पास, चार, पहले पांच है, उसके बाद कितने नंबर, चार, ठीक है। इसके बाद ओ से हम नेक्स्ट नंबर आर कैसे प्राप्त करेंगे, ओ में हम तीन प्लस करेंगे, ठीक है। तो आर एस टी कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे तीन, ठीक है। उसके बाद टी से डब्ल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें भी हम तीन प्लस करेंगे, तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, कितने नंबर प्राप्त होने वाले हमें, दो नंबर, इसके प्राप्त करना है, तो कितने प्लस करेंगे, तीन। एक्स में अगर हम तीन प्लस करेंगे तो क्या नंबर आने वाला है, ए, और लास्ट ये कितना नंबर रहेगा हमारा, एक नंबर, ठीक है।